दुश्मनान अहले बैत पर लानत बेशुमार। शैतान देव रजीव बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम रब्बि इश्राह ली सदरी वयस्सिर ली अम्री वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम اللهم كلمني فيك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتع بيوت فيها طويلا मोहतरम फरमाकराम और बुजुर्ग मोमिनीन नौजवान अज़ादार सलाम अलैकुम। आप तमाम हज़रात की खिदमत में आखिरी मरतबा इंशाअल्लाह इस गुफ्तगू के बाद यकीनन फैसला वो होगा जो इंशाअल्लाह सही होगा जो मौलाना इंशाअल्लाह चाहेंगे। शुरू से एक मरतबा फिर कि असल में हमारा एतराज क्या है और मसला क्या है। हम को कोई आलिम माने या ना माने, कोई जाकिर समझे या ना समझे, कोई जाहिल कहे या ना कहे, हमारा इससे कोई पर्सनल किसी से कोई मामला नहीं है। असल मामला यह है कि मौलाना सभी बाकी मसूफ जो यहाँ पर मौजूद हैं हम इनसे वाकफियत रखते हैं इस तरह से कि सलामतुल्लाह मौलाना अली बूरी के हैं और कनाडा आप तशरीफ ले गए उससे पहले भी यहाँ पे मुख्तलिफ शहरों में आप मजलिसें पढ़ते रहे और सवाले से जानते थे। कुछ सालों से मौलाना यहाँ तशरीफ ला रहे हैं इंडिया और मजलिसें कर रहे हैं और उनकी मजलिसों में लोग शिरकत कर रहे हैं, तमाम मोमिनीन शिरकत करते हैं, वजा मस्जिद में भी मजलिसें मुसलसल होती रहीं, बांद्रा मस्जिद में मजलिसें होती रहीं, जैद पहले से होती रहीं। मौलाना पर एतराज सबसे पहला हमने जो साथी पर्सनल तौर से किया था जब कोई अख्तिलाफी मामला नहीं था वो बिल्कुल मौत बताना था, इसलिए उस वक्त हमारी तकरीरें भी बिल में रिकॉर्ड होती वो खंदक के मामले पर था। मौलाना ने कहा कि शायद लफ्ज जो है वो इससे मैं वाकिफ नहीं हूं और ये सागर होटल में मेरी मौलाना से गुफ्तगू हुई है दोस्ताना माहौल में और मौलाना उसकी तारीफ फरमा रहे। उसके बाद दूसरा मसला जो वहां उठा वो ये कि मौलाना मसूफ ने एक जुमला कहा कि हमारे 13 हीरो हैं और एक हीरोइन, जिस पर वहां मोमिनीन ने एतराज किया। अंजुमन शमशीर हैदरी और दूसरी अंजुमनों के और इदारों के लोग वो गए और उन्होंने कहा कि तिबला जाकिर और आलिम को लफ्जों की भी एहतियात बहुत करनी चाहिए, अगर आपकी नीयत अच्छी भी थी तो भी अगर हम तो ये समझते हैं कि ये बिल्कुल गलत है। बहरहाल वहां उन्होंने समझाने की कोशिश की कि मैं एक रोल मॉडल की तरह पेश करता था, अंग्रेजी में उसको यूं कहते हैं और उस पर एक मसला हुआ। उसके अलावा भी बहुत सारे एतराज रहे और काफी अरसे से मौलाना ने डोंगरी की खोजा मस्जिद में मजलिसे नहीं खिताब की, लोगों को वहां पर एतराज था जिसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट कोई भी नहीं था। मेरे जो दो एतराज थे वो मैं सागर होटल में मौलाना की खिदमत में पेश कर चुका था। मौलाना पूरे वर्ल्ड में मजलिस पढ़ते हैं, यूके में भी पढ़ते हैं, दुबई में भी पढ़ते हैं, पाकिस्तान में भी पढ़ते हैं और कुछ जगहों पर जैसे दुबई में हमारा और आपका सामना भी हुआ, हमने एक ही टेबल पर बैठकर नज़्र भी मुश्किल। और यूके में भी मौलाना जिस जमाने में स्टैनफोर्ड में मदरसे पढ़ रहे थे उस जमाने में हम साउथ लंदन में मदरसे पढ़ रहे थे। इस दौरान में मौलाना की मदरसे उस सिलसिले में बहुत से मोमिनीन बहुत से नौजवानों ने बहुत से मौलाइयों ने एतराज किए और वो हमारे पास भी आए। अब हर शख्स का ये फर्ज होता है बहसियत एक मोमिन की
अगर कोई हमारे पास आया है, चाहे वो हमको एक आलिम समझ के आया है या एक साकिर समझ के आया है या एक आम मोमिन समझ के आया है, हमने अपना फरीदा शरीफ ये समझा कि हम उस मसले पर अगर कुछ कर सकते हैं तो हम करें। हमने जिन जिन उलमा से इस सिलसिले में गुफ्तगू की है, उन उलमा ने इस सिलसिले में जो बयान दिए थे उसके मुताबिक हमने उन उलमा से ये कहा कि अगर आप ये बयान रिकॉर्ड करवा दें तो हमारा मसला हल हो जाएगा और हम मौलाना जकी बागरी को डायरेक्ट ये चीज भेज देंगे और उसके बाद वो अपना बयान जारी करेंगे। बहरहाल हमें नहीं पता क्या मसाइल हैं, क्या वजूहात हैं, हम नहीं जानते कि हमें वो रिकॉर्डिंग क्यों नहीं मिली। इसके बाद काफी हवा उड़ाई गई, काफी हमें बदनाम किया गया, ये कॉन्ट्रोवर्सी लाती है, ये बिना वजह चीखते हैं, चिल्लाते हैं, जज्बाती हैं, उलमा का एहतराम नहीं करते, उलमा मुखालिफ हैं, मुश्तहिद मुखालिफ हैं। हमने उस सब का कोई जवाब नहीं दिया। हम इंसान हैं, इंसान को गुस्सा आता है, कोई गैर मुतालिक आदमी कुछ बीच में बोलता है तो होता है, लेकिन फिर भी हमने उस इशू को छोड़कर हमेशा यही कोशिश की कि पर्सनल मामला ना हो, सिर्फ पॉइंट पे बात की जाए। हमारे पास इस वक्त मौलाना के कम से कम 50 नुक्ते हैं, लेकिन हम फिलहाल सिर्फ 5 नुक्ते पेश कर रहे हैं। ये वो नुक्ते हैं कि जो मौलाना के सामने पहले भी पेश किए जा चुके हैं। उसमें से पहला नुक्ता ये है जो मैं आपको इस माइक्रोफोन पर सुनाता हूं। कि अगर आप मोबाइल फोन ऑफ कर दें तो ये टाइम मसला हल हो जाए। मैं माजरत चाहता हूँ 2 मिनट के लिए, आप हजरत से الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله أما بعد فقد قال الله بسم الله الرحمن الرحيم أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. सबसे पहले मुझे बड़ी खुशी है कि कुछ नौजवान हमारी कौम के बेदार हैं और एक खतीब के एक आलिम के एक जाकिर के अल्फाज और जुमलों पर भी निगाह किए हुए हैं और मैं उनके जुमलों की उनके अकदार की उनके जज्बात की कदर करता हूं और ऐसे ही अलर्ट रहना चाहिए. अगर हमारे शिया अलर्ट होते तो आपस में ये तकसीम कभी ना होती. न सिर्फ जज्बाती अलर्ट रहें बल्कि हर मसले में मोमिनीन को बहुत आंखें खुली रखनी चाहिए. खुसन जो आज इराक में खून बह रहा है, अगर हम अलर्ट रहें और उसके साथ दें तो न जाने आज मोमिनीन क्या क्या कर सकते हैं. अफसोस है कि हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं हमारी छोटी छोटी बातों को सॉल्व करने के लिए, जबकि इसी वक्त न जाने कितने यतीम हो रहे हैं, कितनी औरतें विवाह हो रही हैं, कितने बेकस हो रहे हैं. और इसके पीछे वो कौन सा हाथ है जो इंसान जो मोमिनीन को तकसीम कर रहा है, इस पे काम नहीं हो रहा. बहरहाल सबसे पहले इस महफिल में मुझे ये बात वाजे नहीं हुई है यहाँ पर फरीक कौन है और यहाँ पर मुंसिफ कौन है. यहाँ पर पहले की बात तय कर दीजिए. उलमाए किराम यहाँ तशरीफ फरमा है, आप भी प्रेजेंट करें. जैसा कि आपने 5 पॉइंट पे ला करके बॉयल डाउन किया है, तकसीम किया है मेरी तकारीर को, आप कहते चले जाइए, मैं भी कह दूंगा मेरा मसले को. उलमा की तरफ से जो फैसला होगा वह हरफ आखर होगा. मेरी तरफ से पूरी इजाजत है, हत्ता कोई कह दे कि मुझे तकरीर करना नहीं चाहिए तो मैं आंख बंद करके घर में गोशा नशीन हो जाऊंगा. और अगर आलिम कह दे कि ये पढ़ सकता है तो उसके बाद कोई भी शरारत नहीं होगी. ये उलमा की तरफ से मुझे और आपकी तरफ से भी ये चाहता हूँ कि आप तय करके बैठे, वरना हमारी बैठक बेकार हो जाएगी. और मेरी तरफ से उलमा जो डिसाइड करेंगे, यहाँ पर माशाल्लाह सभी उलमा तशरीफ फरमा है, जो डिसाइड करेंगे उसको समान व तान कबूल करने के लिए तैयार हूँ. और आप भी ये ताबूत कीजिए तो मैं आगे बढ़ूंगा. एक एक मसले आ जाओ उलमा में है, आप जो कह देंगे बात अपनी सफाई से जो कह देंगे वो मान लीजिए. नहीं ऐसा नहीं, आप उलमाए किराम को यहाँ बनाइए हकाम और ये हकाम है और ये उलमा अगर जब तक की इजाजत नहीं देगी, वरना जो हमारी गुफ्तगू कहीं पर नहीं रुक सके. एक सलावत पढ़े मोहम्मद मौलाना, ये बात पहले तय हो चुकी है इस मीटिंग से पहले कि फैसला आखिर में होगा. पहले जो इतराज है मैं तो उसके आप जवाब दे चुका हूँ. मेरा आखिर में फैसला हो पहले फैसला आया फैसला आपको कबूल है. अगर मौलाना जो बुजुर्ग उलमा फैसला कर देंगे वो हमें क्यों नहीं कबूल. तभी से खबर कहा जा चुका है कि उलमा का फैसला है आखिर हफ्ता आखिर होगा, उसमें बीच में इंटरफेयर भी होगा. बहुत अच्छा है. चलिए आपने भी कबूल कर लिया है कि उलमा का फैसला आखिरी होगा और हमें हर मरतबा हमारा उस्ताद कहा करता था या कुरबाश या मुतसिल बकुरबाश वैला नजिस्मी मिशी वसूदी. मैं अमूमन जो हूँ कोशिश करता हूँ कि कोई ना कोई उलमा से मैं मुंसलिक रहूँ और बगैर उसके मैं एक तालिबे हूँ. हकीर फकीर खुदा इंशाल्लाह हमारे खिदमत को ज़ात परवरदिगार और इमाम ज़माना जल्लल्लाहु तआला फरजा. हमने पहले गुज़श्ता साल यहाँ पर इसी मुकद्दस बैत में इसी जगह पर जो मीटिंग हुई थी, जो उलमा ने चाहा था क्योंकि उनके हुक्म के मुताबिक बैठे थे, मगर अफसोस ये कि जिनको आना चाहिए था वो कोई नहीं आया. ये बात भी रिकॉर्ड रहे. पहला मसला बता दूं मैं सबसे पहले, बाज वक्त अगर सबकते लसानी में कोई तकरीर में कोई तहरीर में इश्तबाहत हो जाए तो अगर ऐसा ही है तो कुरान की कोई एक आयत लेकर ला तकरबु सलात आदि आयत लेकर के नमाज ना पढ़े, मैं समझता हूँ कि बड़ा इश्तबाह कर रहा है.
नमाज के करीब ही मत जाओ तो दुनिया ये कहेगी कि वहां तुम सुतारा भी तो है, आगे बढ़िए। तो इसी तकरीर को अगर पहले से आखिर तक आप सुनेंगे तो मराहत तय हो जाएंगे। मगर बहरहाल इस टुकड़े में भी मेरा अकीदा वाज़ेह है, अगर मैं आलम के खिलाफ होता तो इसी टुकड़े का आखिरी जुज है जाइए आलम के सामने दुआ की है। तो इसके माने के दुआ करने को मैं हुक्म दे रहा हूँ, ख्वाहिश कर रहा हूँ। अगर मैं मुखालिफ होता तो आलम के सामने जाने को बेदात समझता था, आदम को आलम को बेदात समझता था। मैंने ऐसा नहीं कहा है, मैंने ये कहा है कि दुआ ये भी हो सकती है कि मौला मेरा काम कर दे। मौला किसे कह रहा हूँ मैं? मौला कह रहा हूँ आलम के सामने, सुन लीजिए आप उसी टुकड़े में, मौला मेरा काम हो जाए तो किसी बेकस का, किसी यतीम का फीस अदा करूंगी, तो आपकी दुआ बहुत ज्यादा जल्दी कबूल होगी। अगर इसमें उलमा कोई खिलाफ समझ रहे हैं तो मैं फैसला फैसले के लिए तैयार। इस सिलसिले में बेंगलोर में मौलाना यूसुफ साहब कबलाहुल्लाह, खुदा इंशाल्लाह उनके साहब बहुत बीमार है, दुआ कीजिए आप सब, खुदा इंशाल्लाह साया उनका बाकी रखे, बहुत हमारे भी बाप की तरह से। उनके सामने भी मजलिस से पहले गुफ्तगू हुई, मैंने तहरीरन दिया है, वो तहरीर आज भी अभी फैक्स करा सकते हैं आपको। अगर खुदा न खास्ता इस मसले में किसी मोमिन को चोट लगी है कि मैं आलम के खिलाफ हूँ तो मैं बारगाह फातिमा जहरा में माफी का खासदार हूँ, किसी का ऐरे गैरे का माफी में चाहता नहीं। अगर मौलाना मौसूफ आलम के मुखालिफ नहीं है बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह आलम के बारे में कह रहे हैं, जुमलों की तरतीब कुछ इस तरह से थी कि मन्नत दूसरी की जाए, इसलिए हम बड़ा एतराज था। अब अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना खुद कह दिया हम इसके मुखालिफ नहीं है, तो हमें भी कोई एतराज नहीं है, और यकीनन माफी जो है वो शहजादी कौनैन की बारगाह में ही हो सकती है। और हमारा जो एतराज का बहरहाल वो लफ्ज आलम बहुत हो गए पर था, उसको छोड़ के रिप्लेस कर। मौलाना जकी बाकरी पर हमारा कोई भी एतराज इस वजह से नहीं है कि हम उनसे कोई पर्सनल ग्रज है, सब कदर इंसानी हम लोगों से भी होती है और दूसरे बुजुर्ग मौलाना से भी होती है, लेकिन मसला ये है कि खुद मौलाना मौसूफ वाकई में इस तरह से कि जहाँ पर उलमाए खैर का तस्करा है वही उलमाए सू का तस्करा है, जहाँ पर नेक अफराद का तस्करा है वही बुरे अफराद का तस्करा है। इसकी नीयत क्या कहने में क्या है ये हमें नहीं मालूम, लिहाजा हमें जो सुनाई देता है हम उसी के एतबार से बात करते हैं। हमारा एतराज ये था कि मौलाना आमिर उल मोमिनीन स्पोर्ट्स मैन थे, स्पोर्ट्स मैन एक खिलाड़ी को कहते हैं, और लाहौर के सिलसिले में हिम्मा पर गौर मौजूद है कि हम इससे बड़ी हैं, जनाब बहलूल का वाकया मौजूद है कि उन्होंने लाके इमाम की खिदमत में खिलौने रखे और इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा कि इसे ले जाओ, इसलिए कि खेलकूद से हमारा ताल्लुक नहीं है। और इस टुकड़े पर दूसरा हमारा एतराज ये था कि उनकी जो तैयारी जंगी होती थी उसी वजह से जो में उनकी ताकत थी बदल की जो थी वो उसी वजह से थी, क्या माने सुपर नेचुरल नहीं बल्कि रोजाना इस पर काम होता था। सुपर नेचुरल यानी आपाकी। अब जब मौला खुद बाबे खैबर उठाते वक्त कहते हैं इतनी अगलब तो बाबा खैबर इन बेकुवत रहमानी अदा बेकुवत जिस्मानी है, तो हम ये मानेंगे कि मौला खुद कह रहे हैं कि मैंने रहमान की दी हुई कुवत की वजह से सुपर नेचुरल कुवत की वजह से इसको मैंने उठाया, ना कि इंसानी कुवत की वजह से। दूसरी बात जुल्फिकार खुद सुपर नेचुरल थी, तो हमारा इस टुकड़े पर यह एतराज। फिर भी बहुत खुशी है, अच्छा होता कि वो पूरी मजलिस सुनी जाती। मैं माशाल्लाह सामईन उलमा की खिदमत में और इनके जज्बात का फिर एहतराम करता हूँ, और मैं दावत देता हूँ कि आपकी जज्बात इसी तरह से वाजे रहिए और आंख खुली रखिए, कान भी आपके वाजे खुले रहें,
कोई माहिर वगैरह निकाल दीजिए ताकि समाहत में कभी कमी ना हो जाए। खुदा इंशाल्लाह हम सबको ये तौफीक दे कि हम लोग पूरी तरह से बातों को अच्छी तरह से सुने और उसी चीज को, बल्कि कुरान ने बताया है कि बशीर इबादिल्लज़ीन यस्तमिउनल क़ौल, उन बंदों को बशारत जो दो जो हमारे कौल को सुनते हैं। और गौ से इस्तेमा है, सीमा और इस्तेमा में फर्क क्या है और मैं जान पा रहा। मैंने उस मजलिस का जो महवर बनाया था, लकद काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन काना यरजुल्लाह वल्यौमल आखिर, ये हमारा महवर था। मासूम की जिंदगी, इमामों की जिंदगी, अंबिया की जिंदगी एक मॉडल है हर इंसान के लिए, न सिर्फ अरब के लिए, सारे वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सल मैसेज होता है इमाम की तरफ से। जब भी इमाम बोलता है या अमल करता है वो उसकी जिंदगी हमारे लिए नमूना होती है। अगर वो सुपर नेचुरल बन करके अगर हमारे सामने खिदमत करे तो फिर हमारे लिए वो नमूना नहीं हो सकेगा। वो ये कि वली है, वो वली के माने मैंने अभी 5 मजलिस पढ़ी हैं अलीपुर में, इंशाल्लाह वो आपको सामने पेश कर दी जाएंगी। वेलायत यानी कुर्बत इलाही को कहते हैं, जो सबसे ज्यादा करीब होता है वो कस्बे फैज कर लेता है। आइमे मासूमीन अंबिया सबसे ज्यादा करीब थे अल्लाह से, और ऐसी चीज जिसके बारे में मैं बात चीजें जुमले भी कहते भी यहां डरता हूँ, इसलिए कि सलमान और अबू जर के बारे में यही है कि सलमान का अकीदा अगर अबू जर को मालूम हो जाता तो कत्ल कर देते। तो यही मसला है कि हम लोगों को भी जो है कत्ल करने के बजाय, झगड़ा करने के बजाय आपस में बैठ करके समझना चाहिए अफकार क्या है। तो अगर किसी मासूम की जिंदगी, जैसे मौलाना मेमून की जिंदगी के सिलसिले में आप सब जानते हैं, सारे उलमा पढ़ते हैं, सबके रिकॉर्ड सुन लीजिए आप, कि मौलाना मोमिनीन ने यहूदी के बाग में मजदूरी की, ठीक है। अगर मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं ये वाज़ लेबरर, तो आपके लिए बहुत खलेगा। मौला को लेबरर कह दिया, एक मजदूर कह दिया, चूंकि लफ्ज से हम आशना नहीं हैं, हम लोगों को वो अल्फाज खलते हैं और समझ में नहीं आते। मैं समझ मेरा जो इश्तेबा हुआ है वो इंग्लिश का लफ्ज इस्तेमाल करने में, वरना शिजा के माने, बहादुर के माने, ये तमाम मानों का अगर ट्रांसलेट करते चले जाएं वही माने निकलेंगे जो माने मैं बता रहा हूँ। बहरहाल अगर इसमें कोई इश्तेबा हुआ मुझे तो सबसे बड़ी खुशी यह है कि माशाल्लाह खुदा सलामत रखे हमें साहब को, और खुदा इंशाल्लाह इनके तौफीकात में इजाफा करे, और खुदा इंशाल्लाह ऐसी इनके जबान में असर दे कि ये उलमा के साथ आगे बढ़े। चार चांद में हमारा तो क्या, आजकल जाने वाले आजकल के नौजवान आप जो हैं इंशाल्लाह इल्मी कस्बी हासिल कर लीजिए ताकि आपके सुखन में और भी इसका असर हो। मेरा ये ख्वाहिश है कि अगर हम इस चीज को अकीदतन लेकर के जाएंगे तो बहुत से शहजादी फातिमा ज़हरा को चक्की फिरने की क्या जरूरत थी, जबकि मासूम ये फरशत इमाम फरमाते हैं दोनों हाथ इतने गड्ढे आ गए थे कि दोनों हाथों में गड्ढे थे शहजादी के। शहजादी क्यों कर रही हैं, ताकि बॉम्बे की ये गरीब चरखा चलाते हुए ये महसूस ना करे कि मेरी हयात इस तरह से गोशे व हयात में। शहजादी तो इशारे से दस्तरखान मंगवा लेती हैं, इशारे से खाने जन्नत मंगा लेती हैं, मेरी हयात का क्या हो। तो शहजादी वहां जवाब दे रही हैं, मैं हर बेकसर साथ देने के लिए गो मुझ में इख्तियार हैं, मैं चाहूँ तो पूरे दस्तरखानों को मैं मंगवा सकती हूँ, जन्नत मंगवा सकती हूँ, लेकिन मैं चूंकि एक नमूना हूँ हर औरत के लिए, मैं चला रही हूँ चक्की को ताकि आइंदा कोई कंप्यूटर चलाए, कोई औरत कोई चरखा चलाए तो उसको कभी ये एहसास ना हो कि मैं कम हूँ। इसके बावजूद अगर इस सिलसिले में मुझे मेंबर पर बैठ करके मोमिनीन के जज्बात से खेल करके उनके जज्बात को ठेस पहुंचा करके तबलीग करना अच्छा नहीं, किसी का अच्छा नहीं है। मैं उलमा से भी गुजारिश करता हूँ, खुतबा से भी, तो यहाँ तशरीफ फरमाए, कभी भी कोई खतीब किसी को ठेस पहुंचाकर अपना मैसेज दे नहीं सकता। अगर कहीं ठेस पहुंचा है फिर बारगाह परवरदिगार में, वो सबसे बड़ा गफूर रहीम, फिर बारगाह अहले बैत में जो सबसे ज्यादा करीम, और जैसे को बख्श दे देते हैं तो हम उसकी बारगाह में माफी भी खा सकते। मसूफ ने जो है
हम सबको बहदा में रहना चाहिए। लेकिन दो तीन बातें जो इब्तदा में हुई थी, मैं इतमास करूँगा मौलाना से कि काफ़ी अच्छे माहौल में दोस्ताना मोहब्बताना माहौल में गुफ्तगू हो रही है। पहली बात तो ये है कि अगर आप ये समझते हैं कि हम लोगों ने पूरी मजलिस नहीं देखी है, तो हम लोगों ने एक एक कचरा पांच पांच बार देखा है, सिर्फ इसीलिए कि खुदा ना खास्ता हम किसी पर तोहमत तो नहीं लगाए। और सिर्फ हमने नहीं देखा है बल्कि हमारे साथ 10 अफराद ने बैठकर उस अच्छे को पांच मरतबा देखा है। दूसरी बात यह है कि उन अफराद में खुद जाकिरीन मौजूद हैं, जो यहाँ कुछ एक दो बुजुर्ग भी बैठे हैं वो भी मौजूद हैं, और उन्होंने मिसाल दी ला तकरुस सलाम अंतुम सुबारा। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी और वो भी इतना तो समझते हैं कि आधा टुकड़ा लेने से, बल्कि एक जुमले की तरतीब और अंदाज को बदल देने से माना बदल जाते हैं, तो ये गलत फहमी है। इसी बात मेरी गुजारिश ये है कि लफ्ज शरारत अगर किसी ने गलत पढ़ा है तो मैं भी ये लफ्ज इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन उलमा हैं, हमने इसको तौहीद महसूस किया, इसको गलत महसूस किया तो कहा, अगर एतराज किया गया, कुछ गलती हुई तो एतराज किया गया, तो उसके लिए लफ्ज शरारत जो है मैं समझता हूँ मेरी राय है, वैसे उलमा बाद में जो फैसला करेंगे उसे कबूल कर लूँ। चौथी बात यह है कि इस टुकड़े का अभी भी जो जवाब मौलाना ने दिया है उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, इसलिए कि एम्पाय मासूमीन की जो इंसानी जिंदगी का पहलू है उसको हम सब जानते हैं। हम लोग खुद पढ़ते हैं कि मौला यहूदी के बाग में मजदूरी करते थे, जनाब बातमा चक्की पीसती थी, एम्पाय मासूमीन आम इंसान की तरह इसलिए जिंदगी करते थे क्योंकि गुजारते थे क्योंकि वो हमारे लिए हुज्जत बनकर आए। यहाँ पर एतराज उनके सुपर नेचुरल ताकत का जो मामला था उस पर था। बहरहाल मौलाना खुदा की बारगाह में अहले बैत की बारगाह में जो कुछ कह चुके हैं इसको सुन लिया है, तो मैं इस हवाले से आगे बढ़ता हूँ। स्पोर्ट्समैन का हिंदी मीनिंग क्या है? मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। हमेशा के लिए एक ये हो रहा है, शुरू से कम्युनिकेशन हो गया हमेशा के लिए, बात जो बात हमेशा के लिए देखिए वही है हमारे जो है, मैं समझता हूँ 25 से तकरीबन 30 साल के करीब 26-27 साल से हम हमारी दुनिया में हमारे लिए जो हो गया है ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना। अभी पाकिस्तान में किताब छपी है उसका नाम है सुपर मैन ऑफ इस्लाम, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम। अगर खुदा ना खास्ता वो किताब मगरबी दुनिया में जाएगी तो इसलिए कि सुपरमैन एक मूवी है जो अमेरिका में बनी है, वो सुपरमैन जो है मशहूर था और उसका एक्सीडेंट हुआ, मासूम था शायद, आजकल वो है या मर गया मुझे मालूम, जानना चला गया होगा। लेकिन मुझे अगर उस सुपरमैन किताब से मुतालिक किसी को एतराज होगा, नाम से मुतालिक तो इश्तबाह हो जाएगा। मासूमीन की हयात जब हम कह रहे हैं कि नमूना है, तो पूरे मौला अमीर मोमिन की हयात को उठा करके देखिए, घरेलू जिंदगी मौला की और जिंदगी जो मौला 25 साल गुजारे हैं, खुसूसन 3 अदवार में लानतुल्लाह अलैहिम अजमाईन, उस दौर में अमीर मासूमीन खुसन मौला की जिंदगी जो है, मौला की जिंदगी जो है, जब जरा सा गौर करें, आपकी तवज्जो करें चूंकि सिर्फ रिकॉर्ड नहीं आगे अभी तो, और गुजारिश करता हूँ क्या बीच वाले ना बोले ज्यादा बेहतर है कि अभी हमारे सुरक्षा करें। तो मौला अमीर मोमिनीन ने 25 ईयर्स तक जो आखिरी जंग है जंग खैबर में जो जौहर दिखाए थे मौला ने, उसके बाद से लेकर के फिर जंग सिफीन तक तकरीबन 25 साल से जायद अरसा हो गया। इस अरसे में अमीर मासूमीन मौला की सीरत क्या रही है, चुनांचे आप लोग सुनते ही रहते हैं मौला हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की शजाअत के लिए मौला इमाम हुसैन ने दाद दी है, बल्कि शागिर्द के अल्फाज मौला ने जौहर सिखाए हैं जंग के, मौला ने हजरत अली अकबर को जंग के फनून सिखाए हैं। ये सब अब ये सवाल है कि आया फनून सिखाने की जरूरत है? जैसा भी फातिमा जहरा जाती है शादी के बाद, बाबा मेरी शादी होगी, अब बताइए कि आप मेरा जिम्मेदारी क्या है, अली की जिम्मेदारी क्या है? तो ये हो जाएगा कि वो बहादुर या शजीर वो आदमी है जो मुसलसल काम करता है, खिलाड़ी। तो आप ट्रांसलेशन कर रहे हैं इस खिलाड़ी के लिए उसी तरह से जिस तरह से सुपरमैन का ट्रांसलेट कर रहे हैं, जिस तरह से हीरो का, अगर आप हीरो के लफ्ज को अगर इश्तबा समझ रहे हैं तो खुसूसन 14 सितारे एक किताब है आपके पास मशहूर है 14 मासूमीन की, ट्रांसलेट कीजिए 14 हीरोज। अगर आप उस किताब को 14 हीरोज कर देंगे, 14 स्टार्स,
14 स्टार्स, स्टार्स के माने क्या है आजकल की दुनिया में, फिल्म स्टार से हटकर मुहैया स्टार। आप जरा सा बीच में आपस में गुफ्तगू मत कीजिए, मेरा बयान हो जाए फिर बयान कीजिए, वरना जो आपके तवील हो जाएगी। तो ये बात अर्ज करने के बाद मैं अर्ज करूंगा कि मुमकिन है कि इंतखाब अल्फाज में हमारा इश्तबा हो। फिर मैंने उसके बाद यही कहा कि कोई हमारा अकीदा नहीं, विलायत का अकीदा है। विलायत अगर आप समझते हैं मौला इमाम हादी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत जामिया को पढ़िए, वो मेरा अकीदा है जिसका मैं बेगम यूना देरुल गैर, आपकी वजह से बारिश नाजिल होता है मैं समझता हूँ, आपकी वजह से कायनात चलती है वो फसाइल को मैं समझता हूँ। मैं पेश कर रहा हूँ नौजवानों को मासूमी की हयात एज ए नमूना, उस नमूने को आप समझने की कोशिश कीजिए, मेरे अल्फाज को इस्तेमाल में मत ले जाइए। उम्मीद है कि हम लोग जो है इस बार फिर बने माफी चाहिए और उम्मीद है कि हम तमाम हजरात इस चीज को इखलासन, अगर हम हकीकत में यही चाहते थे तो हमको पहले ही आकर के एक दिन पहले गड़बड़ करने की जरूरत ही नहीं थी। बाकरी आ रहा था, ये मीटिंग भी मौलाना आ रहा है, ये बाकरी कहिए मुझे जकी कहिए मुझे कोई परवाह नहीं, तो कुछ नहीं अगर आ रहा है वो उससे बैठ के बात कर लेंगे। यहाँ पर आपको मसाजिद में जाने की जरूरत नहीं थी, इमाम बारगाह में जाने की जरूरत नहीं थी, रोकने की जरूरत नहीं। अगर हम हकीकत में इखलासन कौम में चाहते हैं एक स्मूथ रन हो कौम, हमारी कौम फिर बटे नहीं, तो हमारे अखलाक भी ऐसे ही होना चाहिए। और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ अगर कोई जुमला कह रहा हूँ तो उसके लिए आप भी मुझे नसीहत कर सकते हैं, मैं भी छोटों से भी नसीहत कबूल करता हूँ बुजुर्गों से भी। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें इसमें जो उसमें लफ्जी तर्जुमों में जैसे उन्होंने शुजा कहा, बहादुर कहा, तो उसको फौरन ने कहा कि उसका असल तर्जुमा खिलाड़ी होता है, या आपने हीरो कहा तो उसको स्टार कहा। असल में ऐसा है कि वी आर नॉट अन अवेयर, अंग्रेजी हम लोगों की आती है और अलहमदिल्ला हम लोगों ने अंग्रेजी में अशरे भी पढ़े। मसला जो है वो लफ्जों की तरतीब से, आपकी नीयत से वाकिफ नहीं है कि भाई आप क्या कह रहे हैं, तो हमारा इतराज रखने की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि हम लोगों ने ये कोशिश इसके पहले की थी, लेकिन कुछ माहौल इस तरह से पैदा किया गया और कुछ प्रेशराइज इस तरह से किया गया कि जो अंजुमने थी, जो इदारे थे, जो अफराद थे, बहुत मजबूर होकर जब हम फ्रंट में आए तो उसके बाद भी चारों तरफ ये फैलाया गया कि ये साहब जो है इनका कोई काम नहीं है, बस ये हर तरफ जो है वो फितना फैलाते फिरते हैं। उसके बाद भी हमने कहा कि आप चाहे हम पर जितना इल्जाम लगाएं, हमको चाहे जो कहें, लेकिन हम इस नुक्ते का जवाब जरूर चाहेंगे, तब जाके आज ये नौबत आई है, वरना अगर ये आसानी से हो जाए तो फिर ये यकीनन फसाद करना। गुज़श्ता आसानी से ही हुआ था, बुलाया गया था इसी जगह इसी महफिल में, क्यों नहीं आए जो आने वाले थे इसी महफिल में, ये नहीं कि नहीं हुआ मौका, आया मौका हुआ। मौलाना रशीद फरमान गवाह, यहाँ पर बहुत से लोग हैं वो भी रिकॉर्डेड होंगे, इमाम हैदर साहब इसके गवाह हैं, मौलाना जाफर अब्बास साहब इराक में, वरना मैं उन्हें भी गवाह के तौर पर पेश करता कि एक मीटिंग होने वाली थी बांद्रा मस्जिद में, जो मीटिंग कैंसिल हुई थी और उसके बाद वो बच्चों से कहा गया तो बांद्रा पहुंचे थे वहाँ पर जी, वहाँ मीटिंग पहुंचा कैंसिल कर दी गई और मीटिंग यहाँ पर थी बताया गया बांद्रा में, ये कंफ्यूजन पैदा हुआ। हमारा का गवाह अब हम अगला पॉइंट पे पढ़ने से पहले, चूंकि आज फैसले की बात है, लिहाजा एक चीज और इसमें रह गई थी वो मौलाना से वजात नहीं हो पाई कि मसला ये है कि मौलाना ने बहुत अच्छी बात कही, ये आज के दौर में जरूरत है, बल्कि हर दौर में जरूरत है कि हमें मासूमीन की जिंदगी के उन पहलुओं को आश्कार किया जाए कि जिससे लोगों के लिए ये वाजे हो सके कि वो हमारा नमूने अमल थे और नौजवान जो है उस तरह से उस राह में आगे बढ़े। मसला एतराज इस पर था कि क्या मतलब सुपर नेचुरल, नहीं बस इस पर एतराज था। तो मौला की जो कुव्वत है सुपर नेचुरल, खासतौर से इन मासूमीन जिनको हम जिनकी हिरकत को ही हम सुपर नेचुरल मानते हूँ, जिनका साया नहीं था सुपर नेचुरल। इसके बाद जो नुकता है आगा वो तबर्रा के सिलसिले में है। तबर्रा हम लोगों ने अब तक जो हमारे दादा मरहूम मौलाना सैयद नसीर हसन साहब क़िबला थे और जितने उलमा हैं उनसे हमने जो अब तक सुना है वो ये कि तबर्रा
शियत में तबल्ला से ज्यादा अहम जुज है, और तबल्ला के बगैर कोई शिया शिया नहीं हो सकता, क्योंकि सूफी एक अकीदा ऐसा है कि जो तबल्ला तक आते हैं, बारह इमामों को मानते हैं, लेकिन तबर्रा नहीं करते, लिहाजा वो शिया नहीं कहते। अब आपने जो कहा है वो ये शहादत के बाद और इमाम ज़माना की रहबत के बाद दुआओं का ज़खीरा है, लेकिन खुद जिनसे दुआएं आई हैं, जब वो खुद भी दुआएं पढ़ते थे तो जरूरी नहीं कि सारी दुनिया उनकी तरफ आ जाती थी। और उसके बाद आपने कहा कि लेकिन हमने इनको बुलाया नहीं है, बल्कि गालियां दे दे के दरवाजा बंद कर दिया है। तो अब अगर ये है तो इससे एक डिस्टर्बेंस पैदा होता है कि आखिर कौन लोग हैं जो गालियां दे दे के दरवाजा बंद कर रहे हैं, इसके क्या मान। यहाँ बहुत ही अच्छा सवाल किया, पूरी मजलिस अगर सुनेंगे तो बहुत ही माश। यहाँ पर भी मैंने यहाँ पर भी बता रहा हूँ, अगर आप जरा सा देखिए, मैं बताता हूँ इंसान का पर्सपेक्टिव इदराक। जैसे मैंने तय कर लिया कि जनाब हमीद साहब ठीक नहीं है, तो मैं हर चीज जो है मैं नेगेटिव सोचता जाऊंगा, मनफी सोचता जाऊंगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे, कुत्ता सड़ा हुआ गला हुआ था, एक साहबी ने कहा बू आ रही है, एक साहबी ने कहा कितना बदबूदार है, हर एक आगे बढ़ता गया। हजरत ईसा करीब आए, दांत देखो कितने खूबसूरत है। अगर इंसान मुर्दार में भी चाहे तो एक अच्छी चीज ले सकता है, इसी तरह से एक अच्छी चीज में भी चाहे तो एक मुर्दार ले सकता है। ये इंसान के इदराक और समझने का एक अंदाज है। इंसान को हम बैठे तो देखिए, मौला मेमन का एक यूनिवर्सल कॉल है, उन्दुर इला मा काल वलाकिन ला तन्दुर इला मन काल। ये देख कौन क्या कह रहा, ये ना देख कौन कह रहा, बल्कि अल हिकमत दालतुल मोमिन फतलबूहा ऐनमा वजदहा। उसके बाद हदीस में है कि वलो मिन काफिर वलो मिन मुनाफिक, पहल उसमें मुझे जाना नहीं। इस मसले को भी मैं वाज़े तौर पर बता चुका हूँ, कई मरतबा बता चुका हूँ, शियों की ही महफिल में अगर आप तबर्राई कोई जुमले कह रहे हैं, मेरे नजदीक वो फायदा मंद नहीं है। क्यों नहीं है? एक सुन्नी भाई आपकी मजलिस में नहीं आ सकता, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के इमाम सादिक के 4000 शागिर्द तारीख में लिखे हैं, बल्कि उनकी उल्दियत के साथ उनके सन ऑफ स्वाइनसो तारीख में लिखे हैं, उसमें हर स्कूल ऑफ थॉट, यानी कोई स्कूल ऑफ थॉट ऐसा नहीं था, कोई मकतब फिक्र जिसको कहते हैं ऐसा नहीं था जो इमाम के दस्तरखान से इस रिस्क को लेकर के नहीं जाता। हम लोगों को भी चाहिए कि हमारा लहजा इस तरह से करें कि बजाय इसके कि चार दीवारी में महदूद हो, एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, इससे तबर्रा मेरा साबित नहीं है, ये नहीं कह सकते आप, मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर सुन्नी भाइयों का अट्रैक्ट करना है, हिंदू का अट्रैक्ट करना है, गैर मुस्लिम का अट्रैक्ट करना है, तो हमको यूनिवर्सल मैसेज देना है ताकि वो लोग आकर के हमको सुन सके। अगर हमने दरवाजे बंद कर लिए तो ये हमारे, अब आइए मेरा नजदीक तबर्रा क्या है, मैं रोजाना 5 वक्त नमाज पढ़ता हूँ, बीच में पांच मरतब नमाज पढ़ता हूँ, खुदा से दुआ करता हूँ खुदा इंशाल्लाह नमाज कज़ा ना करे। वाजिब नमाज में कम अज कम पहली 2 रकात नमाज में गैर मखदूब अलैहिम वलद्दालीन पे पहुँचता हूँ, तो इन्ही जलीलों को समझता हूँ, इनसे हटकर किसी को नहीं समझता। अगर आपका तबर्रा के बारे में ये नजरिया है, देखिए आपसे भी मैं अर्ज करूंगा कि आप ये ना समझे कि हमें आपसे कोई ज़ाती प्रोहाश है। जो आपने कुत्ते की मिसाल दी, हम तो आपको खुदा की जो अशरफुल मखलूक है इंसान से उसकी हैसियत से नहीं, बल्कि एक शिया कौम के
मौलाना की हैसियत से भी आपका रिस्पेक्ट करते हैं और हर आदमी का हम रिस्पेक्ट करते हैं। मसला सिर्फ एतराज उन बातों पर है कि अगर आप कोई बात ऐसी करेंगे कि जिससे हमें महसूस हो रहा है कि ये मैं मासूमी अलैहि सलाम की शान में गुस्ताखी है तो हम उस पर एतराज करते हैं। सिर्फ बात ये अब तबला के इसी नुक्ते में मौलाना बार बार कह रहे हैं पूरी मर्जी सुनिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि हमने 5 बार पूरी मर्जी सुनी और इस हिस्से का एक हिस्से का जवाब दिया। लफ्ज गाली जो था कोई आलिम कोई जाकिर मैंने तो आज तक नहीं देखा है, लखनऊ के भी आते हैं और दूसरी जगह के भी आते हैं कि जो तबर्रा करते हैं वो इसी नियत से करते हैं कि लोग समझे कि अहले बैत पर जुल्म क्या हुए ताकि जो गुमराह है साथीन है उनको छोड़कर हक की तरफ आए। जब ये बताया नहीं जाएगा तो लोग कैसे हक की तरफ आएंगे। अब ये इसी हिस्से में आगे सुनिए, मौलाना ने कहा है कि तबर्रा की जरूरत किस दौर में थी और अब एतराज ये है कि जब तबर्रा दीन का जुज है तो हर दौर में उसकी जरूरत है और अब जरूरत, ये मैसेज गलत है। यूनिवर्सल मैसेज को भी हम मानते हैं, हमारे यहाँ बहुत से लेक्चर्स हम देते हैं क्रिश्चियंस में, हम उसमें जनरल बात करते हैं, बहुत से मजमे में अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है वो कन्वर्ट कर रहे हैं लोगों को, तकरीबन 25 सुन्नी 5 हिंदू और दूसरे अफराद कन्वर्ट हुए, वहां पर हम गुफ्तगु ये सोचकर करते हैं कि किस नजरिए का आदमी आया है। लेकिन यहाँ पर जो उन्होंने कहा कि औरंगजेब के जमाने में मुमकिन है कि जरूरत थी, अब जरूरत नहीं, नहीं हो सकता है। देखिए असल में मेरा जो इशारा है तबर्रा के एजुकेशन की तरफ, तारीख तबर्रा लखनऊ का किस्सा पूरा आप जानते हैं, अब उसके बाद आया आज उसी तबर्रा को लखनऊ में क्या क्यों नहीं किया जा रहा, आज नौ रबीउल अव्वल को क्यों नहीं कर रहा है, ना 30 साल तक बाकायदा बंद हुआ, उसके बाद आज इस शर्त पे हुआ कि आप अपना जुलूस निकालेंगे वो उनका जुलूस निकालेंगे, दोनों जुलूस चल रहे हैं, जो आपका एक जुलूस था 2 जुलूस हो गए। अभी के बाद आप कीजिए, मेरी बात पूरी हो जाए फिर आप प्लीज। इस टुकड़े में भी जो मेरा फोकस है वो जरूरत दीन आज की तबलीगी जरूरत की गुफ्तगू है, खुद तबर्रा ना हो इस पे गुफ्तगू मेरी नहीं है। इज्तिमा मत कीजिए और कभी भी इज्तिमा इस तरह से ना हो। मैंने कहा कि नमाज के अज्जा में से तबर्रा है, बल्कि मौला इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का एक उसमें मौला फरमाते हैं कि तुम मुसल्ले को, मैंने कई मजलिस में पढ़े हैं, अफसोस है कि वो मजलिस क्यों नहीं सुनाई जा रही है, उस मजलिस में मैंने सुनाया है कि जिसमें मौला ने फरमाया कि तुम अपने मुसल्ले को उस वक्त तक ना छोड़ो जब तक कि 4 मर्दों पर 4 औरतों पर लानत न पढ़ो। अगर मौलाना का नजरिया और अकीदा है तो ये लफ्जों से हम भी इसको मानते हैं। तबर्रा के सिलसिले की गुफ्तगू है, पहला नुकता हो गया। दूसरे एक मजलिस में मौलाना ने कहा, ये मजलिस भी 5 ही बार सुन चुके हम लोग, मौलाना ने कहा तबर्रा यानी गुनाहों से जुड़ी। हमारा एतराज ये था कि अगर गुनाहों से दूर होने के लिए कहा जा रहा है तो उसके लिए बहुत सारे वाकयात, बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज, बहुत सारे लफ्ज इस्तेमाल हो सकते हैं। अगर इस तरह से लोग भी माने बयान किए जाएंगे तो सलात यानी दुआ हो जाएगा और इस तरह से जो है वो मामला पूरा ट्विस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए ये क्लिप भी आप सुनिए, बस में आपने सुना दिया, बस काफी नहीं है ना नहीं साफ नजरिया वाजह है क्या कहना चाहते हैं। आप जो बता रहे हैं कि ये अच्छा होता है, इसीलिए अगर हकीकत में मजलिस में हर मजलिस के बाद या मजलिस सुनने के बाद आज की दुनिया इतनी छोटी हो चुकी है कि सेकंडों में जिससे चाहे जहां से चाहे रابطہ पैदा कर सकते हैं।
رابطہ پیدا کر کے باقری تو نے یہ کہا ہے ذرا سا مجھے سمجھا دے تو شاید یہ اتنا پائل اپ ہو کر کے ایکسپلوژن ہونے کی ضرورت تھی نہیں تھی یہ بارود جو ہے اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آج میں مجھے خوشی ہے مجھے جو کوئی سامنے بولتا ہے اتنا خوش ہوتا ہوں میں بھی چاہتا ہوں کہ المؤمن مرآت المؤمن مؤمن ایک دوسرے کا آئینہ ہے سامنے کھڑے ہو جائے بولے یہاں داغ ہے یہاں داغ ہے یہاں داغ ہے اور اس کے بعد دعا سے کر لے بات جو ہے اسی وقت ختم ہو جاتی ہے بجائے اس کی کہ اس کو اور بڑھا دیا جائے اس مقام پر بھی میں کہوں گا کہ میرا اپروچ شاید غلط رہا ہوں میں اللہ کی بارگاہ میں بار بار گئے پروردگار میں اہل بیت کی بارگاہ میں بہت زیادہ مخلصانہ توبہ کرتا ہوں اور آپ کی بارگاہ میں اہل بیت کی بارگاہ میں معافی کا خواہش ہوں اور میرا مقصد اس سے خود دین کے عقائد کو ٹھیس پہنچانا نہیں محمد والا آپ نے یہ جو باتیں دیکھی تمام بندے اس میں یہ بات بھی آپ نے واضح کر دی اور آپ نے معافی بھی مانگ لی لیکن آپ کو بار بار یہ ریپیٹ کرنا ہے کہ آپ کی بارگاہ میں میں آپ کی خدمت میں بڑے معتبانہ انداز ناز کروں گا کہ اگر بحثیت مومن آپ کو مجھ سے کوئی تکلیف ہوگی تو میں آپ سے بھی معافی اس لیے کہ آپ بھی عالم ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ اگر مومن کو تکلیف ہوگی تو اللہ تو شاید اپنے معاملے کو معاف کر دے لیکن مومن کے معاملے کو معاف نہیں کرے گا جب تک خود سے معافی نہ مانگ جائے یہ آخری نقطہ جو پیش کیا جا رہا ہے پھر بار بار کہہ رہے ہیں کہ مولانا کی مجلسیں جو مولانا سمجھتے ہیں کہ ہم دوسری مجلسیں نہیں سنتے ہیں کچھ مسائل ایسے ہیں جس کی وجہ سے جب یہ معاملات آئے تو ہم نے خود اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ آخرت میں بہرحال ہم سے بھی سوال ہوگا اگر ہم کسی کو بلا وجہ بدنام کریں گے ہم مولانا ذکی باقری کی تمام مجلسیں بڑے ہی کلوزلی سنتے ہیں اور سننے کے بعد غور بھی کرتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ بلا وجہ اعتراض ہو رہے ہیں اس طرح کے 50 نکات ہیں جس میں سے صرف 5 پیش کیے جا رہے ہیں یہ آخری نکتہ جو ہے وہ ہم پیش کر رہے ہیں کہ جس میں انہوں نے اسلام کے سلسلے میں کہا کہ اسلام جو ہمارے پاس ہے وہ مکمل نہیں ہے پارشل لفظ استعمال کیا میں بتا دوں اب یہ اور لاسٹ پڑھ لیجیے سنا دیجیے آپ کہہ دیے میں سمجھ گیا اچھا مسئلے بھی اسی جہاں پر مولانا رشی فرماتے گزشتہ سال یہیں پر یہ سوال ہوا تھا تو اسی سوال کے جواب کے لیے میں نے 10 مجلسیں پڑھی ہیں 15 مسجد میں میرا یہ جملہ تھا کہ دین ٹوٹل سسٹم آف لائف ہے انسان کی زندگی کے گزارنے کا سلیقہ دین سارے علماء جانتے ہیں وے آف لائف ہے اس کے لیے دین متقاضی حکومت ہے جب تک حکومت نہیں ہوگی دین پارشل ادا ہو سکے گا ٹوٹل ادا نہیں یہ بھی بتا انشاءاللہ جب مولائے کب دین کامل رہا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال میں پورا مکمل غدیر میں انہوں نے دے دیا یوم اکملت لکم اس کے بعد پھر مولا نے 4.5 سال مکمل دین چلایا ایز اے سوشیو اکنامیکل پولیٹیکل سسٹم اور انشاءاللہ اسی طرح کی حکومت امام زمانہ آج چل رہا ایران کوشش کر رہا ہے ٹوٹل نہیں کر سکتا سب آخری جو حصہ تھا وہ یہ تھا ہمارا پوچھنا کہ اس حکومت سے مراد کس کی حکومت ہے لیکن آپ نے واضح کر دیا حکومت امام زمانہ امام زمانہ کی حکومت کے قائم ہونے کے لیے ایک سلوات باوز بلا ہے بس یہ آخری مسئلہ تھا اور پھر آج جو 5 نقطے تھے وہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے پچاسوں بھی پورے میں نے لیے میں اس کو ہر ایک مجلس میں اس کو واضح ان سی سال 5 مجلسیں ہو رہی ہیں ان مجالس کو میں نے دوسرا شہزادی کا فدق کا خطبہ بیان کرنا چاہ رہا تھا مگر چونکہ آج کے حالات ایسے ہیں ان کو میں واضح کر دوں گا مجھے مومنین کو تکلیف پہنچانا مقصد نہیں ہے
بلکہ تبلیغ دین حقیقی کرنا ہے. سب بات بڑی مولانا بات جو ہے وہ ختم یہاں پر ہو رہی ہے. انشاءاللہ علماء جو ہے اس پر جو بھی کہیں ایسا ہے کہ یہ علماء کی آپس میں گفتگو ہوگی, جو بھی حضرات ہیں وہ ہم لوگوں کو چھوڑ لیں, بعد میں جو رہا جی. لیکن سب کے سامنے میں کچھ چیزیں آپ سے کرنا چاہوں گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب سے ہم لوگوں نے یہ ایشو اٹھایا ہے, یہ سب نکات کیے ہیں, تو اس سلسلے میں جو ہے وہ اس طرح کی گفتگو اگر پہلے ہو جاتی تو یہ مسئلہ نہیں ہوتا. ہم یہ چاہیں گے کہ آپ کا کانٹیکٹ, آپ کی ساری ڈیٹیلز اور آپ تک ایکسس اگر ہم سب کا ہو تو ڈائریکٹ آپ سے ہم لوگ ہمیشہ بات کریں گے اور کوئی مسئلہ نہیں. اللہم صل علی محمد. آج کی دنیا میں باقری تو ہر مرتبہ جیب میں رکھ کر کے پھرتا ہے, سمجھتا ہے ہر ایک کو ایڈریس, ٹیلی فون نمبر, ای میل. کیا سنیے, اس کے بعد بن والوں سے یہاں پہ کتنے فیملی سے بس نہیں, اس زمانے میں یہ معافی جاتا ہے, اس زمانے میں یہ بات نہیں ہوتی, کسی سے ہم سے پوچھ لیتے, کسی سے پوچھ لیتا ہے تو یہ ایشو ختم ہو گیا. بہرحال میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, آپ پورے مومنین سے یہاں پر جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو ریزالو دی پرابلم, انکریز دی پرابلم, ہم لوگ جو ہیں پرابلم کو ختم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. اور یہاں سے اٹھ کر کے جائیے تو دل صاف رکھیے, مومن کی طرح آئینے کی طرح باکسوں کو مت رکھیے دلوں میں. اور مجھے درد تکلیف ہوئی ہے, میں اس کو روتا رہوں گا کہ اس کے سیریز جو بنائے گئے دنیا بھر میں تقسیم کیے گئے, اس سے پہلے اگر بات ہوتی تو بات وہی کی 2+3=5 ہو جاتی, اتنا ہنگامہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. سلوا پڑھی اعظام یہ کہیں گے کہ ہم نے ہر طرح سے کوشش کی کہ اسی طرح سے سارے علماء بیٹھے, بلکہ میں آئندہ کے لیے بھی یہ کہوں گا کہ خدا نہ خواستہ کسی سے بھی اس طرح کی غلطی ہو تو کم سے کم علماء کی کوئی بینچ ہو کہ جس کے سامنے وہ مسئلہ رکھا جا سکے, اور اس کے بعد وہ لوگ اس شخص کو بلائیں, اس عالم کو, صاحب کو, اور بلانے کے بعد اس سے پوچھیں اور اس طرح کے مسائل نہ کھڑے. اگر اس طرح کا سسٹم ایک بن جائے گا تو آئندہ کوئی ایسا مسئلہ ہو گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری گزارش یہ ہے کہ جہاں کا مسئلہ ہوتا ہے, جیسے مثال کے طور پر یہاں میری سننے والی دیا کی یہاں جو ہے میں اس کو روکنے کے سلسلے میں جو اقدام ہوئے ہیں نا, یہاں کیا ضروری تھا کہ آپ کو عالم دین پہ اعتبار نہیں تھا, ٹرسٹی حضرات پر اعتبار تھا, ٹرسٹی حضرات سے نہ بات کرتے ہوئے یہی بات اگر ڈائریکٹ آپ نے کل ہم سے کی ہوتی اگر کچھ سمجھتے ہوئے تو یہ جو مسائل رات کھڑے ہوئے وہ نہیں ہوتا. اور جو مسئلہ جسے علماء کرام آج موجود, میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر میں نہ کرتا اس کے بعد میرے لیے آپ کوئی بھی جلوس نکال سکتے تھے, لیکن آپ نے سب سے بڑی غلط بات یہ کی ہے کہ آپ اس چیز کو ڈائریکٹ جو ہے پبلک میں لے کے گئے. جو مسائل مذہبی ہیں ان کو مذہب کسی طرح سے جو ٹھیکیدار مذہب کے ان کے پاس رکھنا چاہیے. ابلا آپ بہت اچھی بات کر رہے ہیں, آپ میرے دوست بھی ہیں نشان صاحب, اور جب ہیں میں سب سے پہلے آپ کے پاس آ سکتا تھا. ہم لوگ جب مولانا علی مہری صاحب کے ابلا کے پاس گئے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے گفتگو کے انداز سے جو جوش اور جذبہ نوجوانوں میں بھرا ہوا تھا اس سے ابلا کو کچھ غلط فہمی ہو گئی تھی, اس وجہ سے ہم لوگوں نے سوچا کہ اب بات جو ہے وہ ٹرسٹی سے. آپ نے کل جو ہے کیا کہنا, کبھی آپ سے بات کرنا ہے, ابھی سشانت سے بات کرنا چاہتے ہیں. سشانت سنیے, نہ مولانا کہا نہ صاحب کہا, میں مولا کو حاضر ناظر جانا چاہے ایونٹ کی بارگاہ میں کہتا ہوں کہ میں نے ایسا نہیں کہا تھا, لیکن اگر آپ سمجھتے کہ میں نے کہا تھا سوال ہے کہ اگر آپ کو جی کوئی بات کرنی تھی جی تو چند بچے جی جو میرے بیٹے یا بھتیجے کے برابر ہیں جی وہ ان سے سوال نہ کراتے جی, آپ خود مجھ سے آ کے سوال. قبلہ میں نے سب سے پہلے آ کے آپ سے کہا تھا گزشت کی کہ قبلہ ہم بستی کے پاس گئے تھے, آپ تھوڑی دیر اگر بیٹھ جائیں تو آپ سے گفتگو ہو جائے. بیٹھنے کو نہیں کہا قبلا, میں نے کہا تھا سجاد صاحب بھی موجود تھے وہاں, کسی نے بیٹھنے کے کہا ویڈیو آپ کا بنا ہوا ہے اس نے سنی ہے جی, میں جھوٹ بول رہا ہوں, میں بھی جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. آپ میں آپ کو بھی ہے ابھی دیکھے کیا ہے, میں تو کہتا ہوں ابھی حیدرآباد اور وہ ختم ہو جائے, جھوٹ بول رہا ہوں, ایسا دیوانہ ہو جائے, ایسا دیوانہ ہو جائے کہ اس کو کوئی مطلب نہ کہ. سنیے اب آپ میری بات سنیے, ماں پہ کیا ہوا, ماں تو میری عادت ہے دعا پڑھنے, میں دعا پڑھتا ہوں, بچوں نے اعلان کیا جلسہ ہوگا ٹھیک ہے, اس سے کیا مطلب ہوا جلسہ کسی کا, اور مجھ سے چند بچے سوال کر رہے ہیں جی, میں کیا سوال کر رہا ہوں, ویڈیو بنا رہے ہیں جی,
आप से 5 साल वो बच्चे जिनको मैं पहचानता नहीं हूँ मुझसे सवाल करना भी क्या सवाल ये है कि वो बच्चे मेरे पास भी आए थे मेरी वीडियो में नहीं बात नहीं कर रहे थे पहले मेरी तो सुनो दो सौ मेरे शागिर्द है ऐसा नहीं हो घास खोदा हुआ बता रहा हूँ मैं अपने की बात मजाक में चैलेंज है बहुत ही सीरियस अब अपना अपने डायट तो चलने ही नहीं दिया अब भी चैलेंज है डायट तो चलते रहते हैं जो दो बैग चलते हैं नहीं लेफ्ट चलता है वो हमेशा डायट नहीं चल सकता अब भी चैलेंज है अब भी चैलेंज कर रहा हूँ जब बात जो कहता हूँ अल्लाह के और अपने भरोसे पे करता हूँ इमाम जमाना का अपने अपने से ज्यादा इमाम को मानता हूँ और जिनको मानता हूँ उनका नाम नहीं लूंगा सुनिए तो वहां के ऊपर देखिए चंद आका बच्चे आते हैं वो आके कहते हैं ये पढ़ा सके बहादुर साहब ने फला पढ़ा मैंने कहा मेरे भाई मेरे अल्फाज नहीं है आगे भी छोड़ सकते हैं मैंने कहा देखिए बेगुनाह सिर्फ एक है रो पर्दे में गलती हर एक से हो सकती है अल्लाह मस्जिद तो मुझसे क्या कहते हैं आज तक की बात के साथ है आपके बच्चों ने कहा है आपके जेलों में कहा है मुझे उनसे लोगों के देखा कहा है आप नहीं थे आपने कहा कि लफ्जे हो सकती है लफ्जे बहुत ज्यादा इधर उधर लफ्जे बहुत ज्यादा नहीं है मुझसे ये कहा कि आप जो कहना चाहे मुझसे मैं कहना चाहूंगा सबसे बड़ी बात एक ये है कि आपको चाहिए था कि आप उससे सवाल करते उन चार लड़कों को लेकर मानता क्या लड़का अभी है सुनिए सुनिए अभी इतने बोले दिए उसने रोकना चाह आपके लड़के रुके नहीं समझे आपने बांध रहे के किसी लड़के की हिम्मत नहीं पड़ी आज उससे सवाल करे खुलना के मुंबई के कहाँ गए मैं नहीं जानता किसी को भी और मैं उनको पहचानता नहीं जिन्होंने मुझसे सवाल किए थे पूछे और बच्चों को बुला के और मैं सोचे बच्चे को लगा बच्चे सुनिए सुनिए मुझे पहचानते हो मुझे पहचानते हो मैं तुम्हें पहचानता हूँ बोलो भाई मसला लेके आए तो आपको जवाब उसका जवाब दो मैंने तो मैं पहचानता हूँ आप नहीं पहचानते मुझे क्या पता है नहीं पहचानते आप मगर हम तो एक मसला लेके आए मेरी बात सुनो मैं तो पहचानता हूँ मेरे बराबर हो बेटे सही बात है आप नहीं पहचानते मगर आपने कहा कि आपके नौकर ने मेरा एलिवेट के नौकर दिया हम लोग सुनिए वो मेरे पीछे पीछे वो ये बन रहे हैं वीडियो बना रहे मेरा तरीका जो है ऐसा नहीं है यहाँ पे आके तुम आपने परमिशन दी वीडियो बनाना अमेरिका वीडियो बना रहा है बात सुनिए मैं बताना चाहता हूँ मैं इंतहाई जज्बाती आदमी हूँ यहाँ पर कोई भी शायद इतना जज्बाती आदमी हो ये अपने आप को समझते हैं इस तरह जज्बाती में हूँ और चलिए इनके मेरा चैलेंज हो जाए किसी चीज पर भी सबके सामने कर रहा हूँ ये क्या करेंगे और मैं सुधारा न करके दिखा दूँ तो ये हमारा करके खेलूंगा बोलो क्या करना कोशिश ये करेंगे अपना खतरा से काम डाउन हो जाए सब लोग ठंडे हो जाए अब जो है मुझे किसी के जवाब हमें किसी के जवाब मौलाना ने जो सबसे बताया जज्बात ऐसा किया कल के थोड़ा सा पानी दीजिए और हालात जो जिस तरह से लाए गए इस पर मौलाना को गुस्सा है और हम सब भी जो अंदर घुर रहे हैं इन चीजों को कितना से या यूहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्था व जअलनाकुम शुउबन व क़बाइला लितअरफु इन्ना अकरमकुम इंदल्लाह अत्काकुम आपस में तआरुफ आपस में पहचानिए
और इस तरह से न जाइए उलमा के सामने, इस तरह से गुस्ताखियां मत कीजिए। और गुजारिश है कि अगर बात करना है तो किसी अगर आपको जरा से भी किसी तरीके से मैं अपनी तरफ से और जिन्होंने जाने निकालने में किए उनकी तरफ से माफी मांगता हूँ, इसलिए कि आप बुजुर्ग हैं। मेरा दिल में बुजुर्ग ने छोटी बात मेरा दिल आईना नहीं, हम आपको आपको बिल्कुल आईने वाला मानते हैं। आप हमारे लिए बुजुर्ग आदमी है, मोहतरम आदमी है, डरता नहीं हूँ किसी से भी। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवार हमने किया, हमने किया, लेकिन अगर आप समझते नहीं किया तो मैं माफी चाहते आप हजरात हम जो जो भी वैसे तो फैसला हो चुका है, वादा हो चुकी है। बस ये कि आप हजरात अगर तखलिया कर दें थोड़ा सा हम गुफ्तगू आपस में कर लें, उसके बाद आपको मौलाना बता देंगे। प्लीज आप कुछ मैं लोग बात कर रहे हैं, लेट देम डिसाइड प्लीज, नो इंटरफियरेंस, नॉट इंटरफियर एनीबॉडी। जैसा कि बातें सब हो गई हमने सुनी, और मौलाना के ऊपर जो एतराज हामिद साहब ने या उन एतराज हर एक का वाजह जवाब मौलाना ने दिया। अभी हमने तो ऐसा समझा कि 100 एतराज भी करते मौलाना सबके जवाब, अगर गलती हो तो गलती की माफी मांगे, तो इससे बढ़कर क्या चाहे हम तो इनको मजलिस करने से रोकने का कोई माना नहीं। एहतियात से काम ले लें, क्योंकि मैं उम्र के हिसाब से बड़ा हूँ, इसलिए मौलाना से ख्वाहिश करता हूँ एहतियात से काम करके। इमाम जमाना की दुआ पढ़िए, इंशाल्लाह दुआ करिए हम सब मुत्तहिद होकर दुश्मनान दीन से लड़े जो हमारे घरों तक पहुंच चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमारी तौफीकात में इजाफा फरमा, हमारे नाकिस अमाल को अपनी अपने करम से कबूल फरमा, मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके में विलाए आले मोहम्मद को हमारे दिल में रोज अफसू इजाफा फरमा, हमारी नस्लों में अहले बैत ताहिरीन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और मुबद्दत
اور ان سے الفت روز افزوں اضافہ کرا. لا یمین. مالک ہمارا حشر و نشر اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے ساتھ ہو. پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمیں توفیق عنایت فرماؤں کہ ہم امام زمانہ کے ناصروں میں اور ان کے مددگاروں میں شمار ہو سکے. پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمارے ناقص اعمال کو قبول فرما. پرچم اسلام کو سربلند فرما. پرچم کفر و نفاق کو سرنگون فرما. علماء اعلام مراجع کرام کی حفاظت فرما. روضہ مقدس کی حفاظت فرما. جمہوریہ اسلامی ایران کی حفاظت فرما. امریکہ اسرائیل اور اس کی حلیف طاقتوں کو نیست و نابود فرما. ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما. اور ہم سب کو ان کے عوام و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. میری گزارش ہے کہ علماء کرام اور جو دوسرے حضرات ہیں وہ اگر ایک دوسرے سے مصافحہ کریں اور کیا نام ہے معانقہ کر لیں تو میرے ابھی بھائی جان سب جان اوپر چار والے میں گئے ہیں کا انتظام ہے. Thank you.